नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। सुशांत सिंह राजपूत के चलते स्टार किड्स पर फैंस का गुस्सा किस कदर निकल रहा है वो तो सड़क 2 के फ्लॉप होने से पता चल ही चुका है। 28 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 को बेहद ही खराब रिस्पॉन्स मिला। क्रिटिक्स और दर्शकों को भी फिल्म पसंद नहीं आई। वहीं फिल्म को मिले खराब रिस्पॉन्स से KRK यानी कमाल आर खान काफी खुश है। इसे लेकर KRK ने ट्वीट किया है और भट्ट परिवार का मजाक उड़ाया। KRK ने ट्वीट में लिखा है, बधाई हो पब्लिक, सड़क 2 को बॉलीवुड की नंबर 1 फ्लॉप और खराब फिल्म बनाने के लिए। इसे कहते हैं पब्लिक की ताकत, और अभी तो नेपोटिज्म के खिलाफ जंग की सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो देखा आपने, KRK ने सीधा सीधा भट्ट परिवार को लताड़ लगाते हुए कहा है कि अभी तो नेपोटिज्म के खिलाफ जंग की शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। जहां एक तरफ फिल्म को लोगों ने नकार दिया है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के ट्रेलर और गानों को भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इतना ही नहीं, सड़क 2 का ट्रेलर YouTube पर सबसे ज्यादा डिसलाइक किया जाने वाला दूसरा वीडियो है। यही नहीं, IMDb में सड़क 2 को 10 में से 1.1 रेटिंग मिली। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स फिल्म को लेकर नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। कोई फिल्म को फ्लॉप कह रहा है तो कोई कह रहा है कि इस फिल्म को देखकर समय बर्बाद करने चाहता है। यहां आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लोगों ने सोशल मीडिया पर भट्ट परिवार को निशाना बनाया। लोगों का मानना है कि भट्ट परिवार नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है। वहीं सोशल मीडिया पर सड़क 2 को नेपोटिज्म प्रोजेक्ट बताया गया। ऐसे में लोगों के मन में भट्ट परिवार को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिलता है। बता दें कि सड़क 2 के जरिए महेश भट्ट ने 21 साल बाद डायरेक्शन में वापसी की। यह फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर सड़क का रीमेक है। फिल्म में आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में नजर आए। खैर, देखने वाली बात अब यह होगी कि कमाल आर खान के ट्वीट का भट्ट परिवार क्या जवाब देगा।